कक्षा 10 में आज विषय गणित में द्विघात समीकरण शुरू कर रहे हैं, और इससे पिछले वाले अभ्यास में जिसको प्रश्न नहीं समझ में आया है दो चर रैखिक समीकरण वाले से, तो वो विद्यालय से आकर संपर्क करेंगे। आज द्विघात समीकरण शुरू हो रहा है। द्विघात समीकरण है क्या? जैसे पिछली क्लास में आप गुणनखंड पढ़े थे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इतना था, ठीक। तो वहां पर आपको बता दिया गया था कि ये आपका द्विघात होगा, ये जो है त्रिभुजी व्यंजक में है इसका ये आधा होगा और ये जो होगा अचर राशि से क्या होगा, मुक्त होगा। ये अचर राशि से क्या होगा, मुक्त होगा, ये कांस्टेंट राशि होगी, ठीक। तो अब इसमें जो है आप इसका गुणा करते थे, बीच वाला पद मिल जाता था, दो गुणे तीन दो तिहाई, छह गुणा करो छह या जोड़ने पर पांच ही था। तो सेट ईयर वाउट यही होगा, यहां पर क्या होगा आपके लिए, यहां पर बराबर जीरो बढ़ा देंगे। तो यह हमारा जो समीकरण होगा वह द्विघात समीकरण कहलाएगा। जब तक जीरो नहीं लगा था तब तक कि आपका द्विघात समीकरण नहीं, जैसे हमने जीरो लगा दिया वैसे वह समीकरण द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण में हमारा मिश्र द्विघात समीकरण है, जो शुद्ध द्विघात समीकरण होता है वो आपका केवल x स्क्वायर माइनस 25 ऐसे ही हो गया, ठीक। ये शुद्ध द्विघात समीकरण है, कहने का मतलब यह है कि इसका द्विघात ये जो अचर राशि है, अचर राशि की घात नहीं होती, ठीक। बताइए सर में, तो द्विघात समीकरण आपका इस रूप में होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल जीरो के वर्ग वाले समीकरण द्विघात समीकरण कहलाते हैं, या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो रूप वाले वर्ग समीकरण समीकरण द्विघात समीकरण कहलाते हैं, ठीक। जैसे अब इसमें पहले देख लीजिए, यह पद जहां ए बी सी क्या है, अचर राशि, अचर राशियां हैं, ये शून्य नहीं है, ठीक। अब जैसे एग्जाम्पल अभी बोल रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल जीरो, ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 49 बराबर जीरो, ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4 या प्लस 49 बराबर जीरो। तो ये आपके जो है ये शुद्ध द्विघात है, कोई चीज ये भी है शुद्ध द्विघात। अगर इस टाइप में समीकरण ले लिया गया जैसा अभी हमने लिखा था, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल जीरो,
यह आपका देखिए यहाँ पर इस टाइप का है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल जीरो। इससे कंप्रोमाइज कराएंगे, ये का गुणांक यहाँ पर छुपा है, ये कांस्टेंट है, यहाँ पर b का गुणांक कितना है 5 है, c कितना है कांस्टेंट प्लस 6 है, ठीक। तो ये आपका जो है मिश्र द्विभाग कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, मिश्र द्विघात समीकरण। अब प्रश्न में जो है द्विघात समीकरण की पहचान करने के लिए आपको लेफ्ट और राइट में जैसे प्रश्न दिया रहेगा उसको आप सॉल्व करेंगे, इस टाइप में मिलता है या इस टाइप में मिलता है तो वह आपका समीकरण द्विघात समीकरण होगा, ठीक। प्रश्नावली एक जो हो रहे है वो उसी टाइप का है, तो उसमें से एक प्रश्न देखिए, x प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू इंटू x माइनस थ्री। अब आपको यह बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं, तो इसको पहले हम हल कर लेते हैं। हल करने पर अगर इस टाइप में आ जाता है या इस टाइप में आ जाएगा, ठीक, तो हमारा समीकरण द्विघात समीकरण होगा। चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स इक्वल टू एक्स माइनस सिक्स, पक्षांतर कर लीजिए, तो आपका एक्स स्क्वायर ये वाला इधर आएगा, ये दोनों पक्ष में बराबर है, कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो टू एक्स प्लस सात इक्वल क्या हो गया जीरो। ये आपका द्विघात समीकरण है कि नहीं बताइए, ठीक। ये आपका द्विघात समीकरण है कि नहीं, हमने अभी भी यहां बोला था एक्स स्क्वायर प्लस फोर या माइनस फोर भी बराबर जीरो, ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी आपका द्विघात समीकरण है, क्लियर हो गया। द्विघात समीकरण की पहचान करने के लिए सबसे मूल बड़ी बात यह है कि हमारा इस टर्म में होना चाहिए, सबसे पहले की घात दो, दूसर का इसका आधा होगा, तीसरा एक्स से मुक्त होगा, बीजी अक्षर जो भी एक्स वाई जेड जो भी होंगे उसकी पहली घात दो, दूसरा इसका आधा होगा, मतलब दो का आधा एक इसकी घात एक होगी, तीसरा जो होगा वो एक्स से, मतलब बीजी अक्षर से वह मुक्त होगा, अपनी भाषा समझने के लिए बीजी अक्षर एक्स वाई जेड जो भी, ठीक, बराबर जीरो। तो वह इस टाइप में अगर होता है तो वह समीकरण हमारा द्विघात समीकरण है, अगर नहीं है तो वह द्विघात समीकरण नहीं। जैसे प्रश्न को इस तरह दे दिया गया x पावर फोर प्लस नाइन एक्स स्क्वायर या सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस नाइन बराबर जीरो। अब देखिए यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है, इसकी घात चार है, इसका आधा हो गया, यह जो है एक्स से मुक्त है, ठीक, यह द्विघात समीकरण आपका है, इस टाइप में हो सकता है। ये हो गया द्विघात समीकरण की पहचान के लिए, द्विघात समीकरण पहचान करने आ गया आपको। अब आगे चलते हैं, आपको शून्य गुणांक ज्ञात करने के लिए लास्ट में बताते हैं, पहले समीकरण को हल करना बता देते हैं। अब जैसे आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में कब असमान होता है, कब समान होता है, ठीक, कब अधिकल्पित होंगे, ये लास्ट में बताएंगे, आप इसमें कंफ्यूज होंगे, इसको पहले बता देते हैं। द्विघात समीकरण को हल करना, जैसे समीकरण आपको दे दिया गया 3x स्क्वायर माइनस 48 इक्वल जीरो, ये दे दिया गया, समीकरण को हल करिए या द्विघात समीकरण को हल करिए। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए इसमें आप पिछली कक्षा में आप अभी
हमने बताया कि ये कितने ये रहता था हमारी ये रहने देते थे तो वहाँ पर लिख देते थे हम करके बोलकर को। और ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी करना है और यहाँ पर एक्स का मान निकालना ठीक या जो भी पीरियड अक्षर होगा इसको आप कितना लिख सकते हो। अब इसमें जो है थ्री आपका कॉमन है ठीक, थ्री जब कॉमन हो जाएगा इसको लिख सकते हैं कितना एक्स स्क्वायर माइनस तीन गणना तीन एक बचेगा तीन शक अठारह ये हो गया ठीक। अब इसको आप सात कर लीजिए थ्री लगा रहेगा इसको लिख सकते हो कितना ये एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये कितने का वर्ग है चार का वर्ग है ठीक ये हो गया आपका। अब यहां आपका सूत्र फॉलो होगा क्या ठीक। ये था प्रश्न।